ओम नाम शिक्षे बड़ो जासे बड़ो न कोई, ओम नाम के लेन से शुद्ध आत्मा। जहार वीर महाराज को मिनती बारम्बार, लाज रखो संकट हरो निक नाम लगावो। गुरु चंदन हमनी बरी गुरु समदुर हम की, जहां गुरु के चरण है झुकी बई हमारो शीश। माता सुमरो सरस्वती कंठ बिराजो आई, नाव पड़ी मझधार में निक खेच लगावो। आइए दो मिनट के लिए सुमरनी की तरफ लेकर के चल रहे हैं, और जो रिकॉर्डिंग ये चल रही है हमारे गुलशन भैया स्टूडियो चौपला, गुलशन भैया की कृपा से ये रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। बांगर वाले देवतायद मंदिर में होई, हम सब त्यारी पूजा करें सो भूल न जइयो। बांगर बेनर जात हैं जिनके पूर्ण भाग, कपटी गए न मालिक मिले उन्हें अदबर डारत। जाग जगे श्री जाग जा जगतारण मैया मेरी सोमते है तो जाग। असुरन घेरो गड़का करो निके अपनो खरग शमान। पर्वत पे ठाड़ी भई ओढ़ दक्षिण रो चीर, तक तक दाने मारती मैया बासर जू पे तीर। जब तक हेम मारती जब तक हेम पवाण, अवता जू लागे नहीं मेरी बोधी पड़ी कमान। बजरंग बली अब करो भली मारे वाण, महाशक्ति के लंका में तुमने आग लगाई, प्राण बचा ले लक्ष्मण जति के। जयत जयत सुग्रीव की जय, कपीत हनुमान राम लखड़ सिया जान की, सदा करो कल्याण। कथा उच्चारण होते ओ भांगर के भीर, संकट आड़े हुजियो शिव के चोला में बंधियो। राधे भैया यादव जी, अरे मनाहले पहले भाई ये मनाहले। भाई सरदार रे जन सब जग पैदा करी दयो करी दयो भाई। पानी की बूंद रचो संसार, मन के नल ठाकुर को दही, बन के नरबरिया को अरे काटो काटो रे सिया में अरे ना। तारागढ़ की जोगिनिया माई
मेरो इष्ट देवता ने जग जइयो, अरे आ जइयो बलि रे हनु मठिया में किन्नी बज गई रे दिन बनी रही रे नदी के ओर सुमिरन करके ओर पार ब्रह्म को पानी की बूंद रचो हसन सुमिरन करके रे मैया बबला को गुच्छा सोए ते पैर पसंदे और धरनी मैया को मेरे सुमिरत जा पे जन्म तटे किले सुमिरन करके हम गुरु मुन्ना को गुरु मुन्ना लाल गोस्वामी उनके चरणों में ध्यान धरते हुए ये बाबा जहरवीर ज्योत जागरण की कहानी को लेकर के चल रहे हैं। आगे सुनेंगे कौन सी कहानी चलेगी। और आरे बाबा सुमिरे गुरु ज्ञान दासक नंगला बली के अरे मैदान रखियो लाज तो गुरु दंगल में नैया खींच के लगाइयो सुमिरन लिया धोरा बांग रखे
माछ लगे लड़ ते लड़े। अरे भादो लगत तो यरे नामी को भूड़ पे जातर रे लेत लगवाई। बज गई ले कदम की डाल आरे मैया पहले तू ही मना रही। अरे अब दे ज्ञान रे शोभा दुरिया और मिट्टी जाएगो जिगर कोई खतक। आवत सब लोग नने ज्ञानी मेरी जो भाप कर मेहरबानी। भोला सर्वपल्ली पति रहे भगम्बर पे करो बिछाना। अरे तेरे भैरिये जटन मेरे भोला की। हाँ भैया, हमारे गुलशन भैया कैसेट कंपनी की तरफ से ये बाबा जहरवीर की दूसरा भाग विवाह की कहानी को लेकर के चल रहे हैं कि बाबा जहरवीर ने सपने में 3.5 भामरन डाल के देश बांगर के लिए चले आते हैं और इसके बाद में राजकुमारी सीरियल उसी सेज पे बिलकती रह जाती है। सज्जनों, अरे घोड़े वाले जवान तुम्हें ढूंढू तो कहां ढूंढू। अब बाबा जहरवीर के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि बेहोश हो गई, उसे अपने तन का भी होश नहीं रहा। और भैया, ये बाबा जहरवीर के दूसरे विवाह की कहानी को लेकर के चल रहे हैं, अगर इसमें कोई भूल भी होती है तो अपना समझ के गौर मत करना। क्यों, ये कहानी जो लेकर के चल रहे हैं सब ये गुरु मुन्ना लाल गोस्वामी की कृपा से लेकर चल रहे हैं। और हमारे साथ में हमारे रणवीर भैया यादव जी डमरू पे संगति कर रहे हैं और हमारे राजेंद्र भैया वर्मा जी नक्काड़े पे संगति कर रहे हैं और हमारे ढोलक मास्टर अनिल भैया पपराती के रहने वाले और हमारे राधे भैया यादव जी हमारे सहयोगी हैं, साहिकी में साथ भरते हैं और हमारे नरेंद्र बेटा चिमटा वाले ये तो मशहूर ही है।
और हमारे गंगा सिंह भैया घड़ा पे संगति कर रहे और हमारे टूटे फूटे शब्दों में छोटे मोटे कलाकार कैलाश गायक हैंवरा निवासी और हमारा मोबाइल नंबर है 89 58 80 81 29। ध्यान दें, आप लोगों तक ये पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे भाई बहन माता बहन छोटे छोटे बच्चे सभी लोग, आशा करता हूं कि सभी लोग को मन भाएगी। और हमारे गुलशन भैया कैसेट कंपनी चपला, आइए मैं कहां से एक कथा को लेकर के चलते हैं। मां बा छिलके लाडले गुरु गोरख की खैरात, भादों में मेला लगे जकी लगे भूड़ पे जात। बाबा जहरवीर जब 3.5 भामरे डाल के चले जाते हैं, राजकुमारी सीरियल उसी सेज पे बिलक रही है। यहां से हमारी कहानी शुरू हो रही बाबा जहरवीर के दूसरे विवाह यानी 3.5 के ऊपर 7 भावरन की कहानी। सखियां कहने लगी आपस में कि बहना इसको क्या हो गया। एक सखी बोली, तुम्हें ना मालूम बहन, जय जीजा छोड़ चले गए। दूसरी बोली, बहन तुम्हें ना मालूम जय ले चला की बीमारी लगी। एक मनी राम की धी पास बिटिया के आई, देखा न बजता पुनैया वे झूठे बिटरिया नखरे बनावे। माल में पड़त एक समय डूबी, सक बड़ो जंजाल बहन लोए की सूली। दूसरी सकी बोली, बहना तुम्हें नहीं मालूम के भूतन घेर लई बहन जंतुर बनवाए देव, और के गर्मी चढ़ी गई घोर जय मिसरी पिलाए देव। राधे भैया मिसरी ठंडी होता है। तब तक हमारे रणबीर भैया कहने लगे, ऐसा है हमारी समझते जाए ताल पे ले चलो, ताल में स्नान करेगी तो इसे कुछ शांति मिलेगी। तो आज सखियों ने डोली में बैठा लिया और क्या हुआ दोस्तों, अरे हु कयो ठे तन ले तमरोरा, अनिल भैया ढोलक मास्टर तुम होते देखते। अरे हु कयो ठे तन ले तमरोरा, त्यार करो ताल न को डोला, डोलिया में गई बैठ पार सरवर की आई। अरे डोलिया में गई बैठ पार सरवर की आई, सीरियल धसे सरवर में जावे, मले मले के वो तो तालो हनावे। वर्मा जी जब स्नान करने लगी तो एक सखी कहने लगी, सखियों से कहने लगी कि बहना अरे इसे ये पूछो इसका पिता इसकी शादी क्यों नहीं करता है। दूसरी बोली, तुम्हें का मालूम राजा की बेटी है। को कहे है? अरे नहीं बहन पूछो इसका पिता इसकी शादी क्यों नहीं करता है। तो क्या हुआ, हमारा ताल के बीच सखना ने जिकिर चलाई, हमारा ताल के बीच सखना ने जिकिर चलाई। अरे श्रीयन एक बात बता, तेरो कहा बलम को नाम कहाँ ससुरो तेरो,
बीस बरस की भाई बिया नहीं होए तेरो। सीरियल कहने लगी बहन हम किन को बता दे नाम नाई मेरी भी सगाई। सज्जनो भाई बंद माता बहनों से निवेदन है हमारे शब्दों पर जरूर गौर करें और एक एक शब्द आएगा समझ में। ये रास्ता पुरानी है गुरु मोहनलाल गोस्वामी की ये कथन है। हाँ हम किन को बता दे नाम नाए मेरी भाई सगाई। नहीं बहन बताना पड़ेगा। तो सीरियल कहने लगी बहना मेरे मूरी का माता पिता कौन बोले समझावे ना गया भेज तुम आई कमटी को चढ़िया। सब बरस की हो गई रे गुजरिया क्यों न शादी तू सकी बाबुल कहा भिकारी है जो तू प्यारी है। कहने लगी और पांच बरस तू हमसे बड़ी है तो लड़ने को प्यार खड़ी है तेरी देखना में यू मरिया मारी है जो तू प्यारी है। भैया आज सखियों ने जब बोली की गोली मारी है तालाब पर तो बेटी सीरियल अरे भैया सोचने लगी और अपने महल के लिए जा रही है। धीरे धीरे बेटी अब चली दही अरे ब्रह्मा जी बता डोली में बैठ गई गुइया गई गुजरिया अपने महला में आज सुस्ती छा रही है चेहरे पे सखियों ने बोली मारी है। आई गई गुजरिया अपने महला में सरदारो अपनी मैया तक पहुंची गुइया वक्त माँ ने देखा लला नरेंद्र आज मैया ने अपनी बेटी को देखा सोचने लगी क्या बात है रोज मेरी बेटी आती थी हा बहुत खुश दिल दिखाई देती थी आज ये मनहीन है। ओ बेटी क्या बात है नहीं बोली है तो बांदी से जवाब दिया बांदी अरे कवानी चित्तर सारी जाव ललिया को बलिंग नवाव
ये जब बंद और तू सकत किया आए है पी का सुख जोर ने रख दिया। राधे भैया पीक सुख जानते हो? पीक सुख जिसे पीकदान बोलते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में बड़ी बड़ी स्टेशनों पे देखा होगा एक कुन्ना में रखा होता। भैया आज पड़ी नमक शीश मांग मोती नकिया खोली भैया सवा पे रतन गयो मात सिरियल ते बोली जवाब दिया बेटी क्या बात है सुबह हो गया अब जाग जाइए और बताइए क्या बात है। आज सीरियल कहने लगी माँ खुले शब्दों में क्या जवाब दिया आए आए लटवे माँ को नीर खोल सीरियल ने दियो माँ मेरो बाबूला मत को ही ना बयान करियो मेरो रणवीर भैया अब इतनी कई जान गई माता महारानी सरोजा कहने लगी बांदी से जवाब दिया बांदी बांदी लई बुलाई चली निक जारी के अरे मेरी बांदिया और जाइए निक भज के जाइए पल कीमत देर लगाइए लइए लीवाय तू मेरे धीरे धीरे आज बांधी से कई रही दादा रानी और लौट झपट के जाइए री बहना करिए मती गिलानी कुइया जाइए लग भज के जाइए पल की मत देर लगाइए लइए ली माय तू मेरे कम थका जी। भैया आज बांदी महारानी के कहने से राजा को लिबा करके ले आती है सज्जनों और जिस वक्त राजा अपने महलों में आते हैं तो महारानी सरोजा ने आदर के साथ पलंग डाल दिया और मोर छड़ी का बीजना लेकर के ब्यार डुलाने लगी। भैया जब राजा मगन हो गए रणवीर भैया एक बात और बताएं आज भी हम देख रहे हैं अगर आदमी हार में थे हार में थे अगर काम करके आए तो आता ही आता अगर वह कछु खटरोग लगा दी तो समझ ले गुस्सा दूनी हो गई। जो पतिव्रताएं माता हुआ करती थी पहले पति को मगन करती थी सेवा से आजकल कैसी नहीं हार में थे आए नहीं भाई काम करके तोले रामायण सुनाए दी तुम्हें कछु मार बतमा भैया ने बहुत गाली दी हमें अब बताओ अच्छी बात ढूंढे उन्हें मिली और बजन लगी। आज महारानी सरोजा ने क्या किया कहने लगी महाराज एक बात है क्या जो
जब रानी ने कही बलम मेरे संजा भारी, और जिन्हें नींद क्यों लगे के जिन घर कन्या क्वारी कन्या तपे रसोई जे मन के फलनाए राजा, क्वारी कन्या जल भर लिया वे पीवन के फलनाए, क्वारी कन्या रहे पाप घर डूबे राज नौनजू करे, सो कर लो ब्याह लली अपनी को बलमा परम धाम तर जाओ बिटिया की शादी तुम करो। जिस वक्त शादी के बारे में सुना है तो राजा संजा सिंह के पैरों के तले धरती खिसक गई साथियों, और क्या कहने लगे रानी, अरे राजा ने गिरा सुनाई भद्रे, तुम्हें नहीं मालूम प्रभु ने मुझे एक बेटी दी है, जय मेरा बेटा जय मेरी बेटी है, मैं शादी नहीं करूंगा। जब शादी के लिए मना किया, रानी ने खींच लाई तलवार, करी अप घात प्राण तज ले, जो न करा लली अपनी को राधे भैया। कथा में ध्यान देना, जब रानी मरने के लिए तैयार हो गई, राजा ने समझी अब तो जी रानी गई, और रानी किला से अटारी से नीचे उतर के आओ, और कहने लगे कैसा लड़का होना चाहिए, भैया रानी कहने लगी महाराज सुनो, ऐसो ढूंढो जाई कृष्ण गोपिन में प्यारे, जैसे चंद्र अगास्य मल में नल खतारे, लड़का चले चतुर की छाई जहां बिटिया सुख पार है, सुगड़ भूप कमदार ललिया मेरी ब्याह बन आवे, असुर भूप को हित मत दीज मनु आवे तुना शादी की। राजा ने क्या किया, एक चाकर दियो खनाई बोली ब्राह्मण को ले आयो, आदेश कर दिया कि जाओ नाऊ और पंडित जी को बुलाओ, और जब पंडित जी आए, आवत पंडित लखे राज पाइला गन कियो, मोड़ा पैगो बैठी हाथ में पुस्तक लियो, सुंदर घड़ी विचार ललिया को ब्याहु छटायो। महाराज पंडित जी कहने लगे, महाराज ब्याह को साव तो बड़ो नी को, कौन सी तिथि है, और फागुन लगत बिहारे नौमी को, नौमी के दिन महाराज बरात आई जे। अच्छा ले दस मोहरे दक्षिणा में, रणवीर भैया
नाउ पंडित की कसके लगी है हाँ? लेकिन हमें जब बताओ महाराज, अब हम लड़का कौन सी दिशा में देखन जाए? गुलशन भैया तब तक कान लगे चाहे तो देखिया नहीं को होए हैं? देखिए यार, राजा पंडित जी से कह रहा है। पंडित जी कहने लगे महाराज ऐसी क्या बात, तुम्हें नहीं मालूम पश्चिम में चौहान बसते हैं। भाई बंद माता बहनों ध्यान देना कि पश्चिम में बांग्लादेश पड़ता है और बाबा जहरवीर वही के रहने वाले चौहान ठाकुर। राजा कहने लगा महाराज सगाई, इसलिए पश्चिम में नहीं जा सकते हो। हद सिपाही भेट को ब्राह्मण के डाली और नौ और पंडित चले गए लमे सीरियल ठाड़ी। उसको मालूम हो गया का मेरा टीका चढ़ने के लिए जा रहा रास्ता घेर लाई। चाचा कहां जा रहा है? ना उठाकर कहने लगे लली हम तुम्हें ही भुगतवे जा रहे। क्या मतलब? तुम भाई भाभी काटन लली त्याव ब्याह हो दूल्हा मिले जल ली बबिटिया फूल पम्मा हुई जाए चाचा कहां जा रहे कौन सी दिशा में? तो पंडित जी बोले तेरे पिता ने बेटी कह दिया कि पूरब जाऊं उत्तर जाऊं टीका दक्षिण में दे आऊं मगर पश्चिम में नहीं जाऊंगा। क्यों बैर है? सीरियल बोली चाचा तुम्हें नहीं मालूम देखो अपने पिता को भी मूर्ख बता दिया और पंडित जी को बनाए दो। चाचा ढूंढ ढूंढ मर जा मोलायक पर कौन नहीं पावो मोलायक मांगर नहीं पावो। ऐसो करो मेरे कहे ते मांगर जइयो टीका जाहर पीर को चढ़ाइयो चाचा मती वाला जंजाल टीका दे आओ जाहर पीर को रिश्वत में ले जा रे गले को नाल खा। और चाचा व लड़का को पता बताएं? बता बेटी। अरे
जाकी तोमन अगर नन सार जबर दिल्ली यकी अगाजी। सज्जनों ये पुरानी रिश्ता है कड़ीबंदी की डमरू शरंगी की। अरे कचाचा तोमन अगर नन सार जबर दिल्ली यकी अगाजी हर पलकी और सुख पाले द्वार पे झूमे हाथी। ये जामिन यावे बरातन और जामिन यावे बरातन अगर देखे की तमाशो। चाचा मांस की जीव है मेरे कहे तो मांगर जाइयो टीका चा हर पीर कोई चढ़ाइयो। कोई बात ना है रिश्वत में नौ लखा हार दे दिया और चलते हैं नाउर पंडित चले पूछ के चले पहुंचे गड़ा मुस्कान देख रहे और ठिकाने। गड़ा मुस्कान में पहुंच गए लड़का कैसे देखो लड़की बड़ी कुंवर व्यवहार हो कि सभी कारज हो हमारो। चाचा लड़की से जे लड़का छोटा है राधे भैया लड़का ना मिल लो ना उठा पर कहने लगे ऐसे करो हमारी समझ जे कात के तीन ढूंढी ले काई बिटिया 18-20 साल की हो तनवीर भैया 6-6 साल के। अच्छा गुलशन भैया है ऐसे काम ना ही चले चलो आगे चल रहे आज नाउ पंडित आगे चले मान सरोवर गए समुंदर राजा के आए। नाउ और पंडित ने वर्ग मिलाए वर्ग पहले वर्ग मिलाए जाते थे लड़का लड़कनी के। रणवीर भैया आजकल तुम्हें मालूम आजकल पहले ही वर्ग मिलाए बैठे वो ये सत्य बात है लड़का लड़की के वर्ग मिलाई जाती थी। अगर लड़का कुत्ता बनना है लड़की बिल्ली बनना है तो जीवन में कभी उनका मिलन नहीं हो सकता। क्या देखा अरे कोई अकाना कोई अशाना की जहारवीर महाराज की। मेरे भैया जब नाउ पंडित को लड़का नहीं मिला बेचारे रोने लगे। सजनों किसी लड़का लड़की का यह नक्षत्र होता है कि माता पिता भटक जाते हैं अगर बर है तो घर नहीं और घर है तो बर नहीं। आजकल ना ही गुलशन भैया भटकवा पत है गुलशन भैया कैसे देखे मोटे ताजे आए भैया क्या हुआ धीरे धीरे समुद्र के किनारे पहुंच गए। भारी जल बह रहो समुद्र में भारी जल देख करके नव पंडित कहने लगे कि महाराज आगे प्रस्थान कैसे करोगे। गुरु जालंधर को जाप जब कियो राजा संजय सिंह के गुरु थे जालंधर नाथ। गुरुवर मलहा बन गए आई के ढोंगा समुद्र में नाउ पंडित को पार कर दियो। जब समुद्र पारी उतर गए तो क्या देखा उतर समुद्र गए भाट ऊधा मिल जाई ऊधा भाट। अनिल भैया ऊधा उसका नाम था जाति का भाट था।
और भाट तो सभी जातियों में बताते हैं आया करते हैं एक साल में, और भाट लोगों को यह पता होता है कि फलाने राजा के तिलरे का है। उत्तर समुद्र गए भाट अयोध्या मिल जाई, राम राम अयोध्या मेरे भाई, लरिकन की द टोरी बताई। जब अयोध्या ने कही कहां के रहने वाले, सात समुद्र पार काम एक तंदुल नगरी, वहां को राजा संज्ञा भारी, बाघर पिटिया श्रीयल कुआरी। ऊधा भाट विद्या में प्रवीण, जल्दी चलियो संग मेरे में, लड़का गिनती के बताए दे। तीन कौन कौन से? एक तो हमारे ब्रह्मी जी सही है भैया। आज ऊधा भाट लेकर के चला है शहर दलेले में, बामन के घर बामन आयो, जीवन आई ने कंठ लगायो। जो राजा संजय सिंह के पंडित जी भेजे हुए थे उनका नाम था निर्भय पांडे, और बाबा जहरवीर के जो कुल पुरोहित पंडित जी थे उनका नाम था धनकर पांडे। पंडित जी के घर पे पहुंचे हैं तो भैया बड़े आदर सम्मान से उनको बैठाला और पूछा भैया कैसे आए? ऊधा भाट वहीं से वापस हो गया, और जवाब दिया भैया हमने लड़का की देख भार में आए हैं, लड़का ढूंढे तो नहीं। नरसिंह पांडे के पिता धनकर पांडे कहने लगे लड़का हमारे जुगाड़ में तीन है, हाँ? एक प्रथम माता बाछिल का पुत्र जहरवीर, और उसके बहन के लड़का और हैं, माता बाछिल की बहन के लड़का अर्जुन और सर्जन। नाव ठाकुर कहने लगे महाराज लड़का तो एक ही चाहिए। लड़का तो एक ही चाहिए, जोन सो अच्छो लगा ताई टीका चढ़ा दियो, हाँ? चलो पंडित दोनों चली दाये यरे ब्रह्मा जी। नरसिंह पांडे के जो पिता रहे धनकर पांडे उनकी नाते में लगती थी भौजाई बाछल। ओ बाछल भौजाई, किला के नीचे से आवाज लगाई, बाछल मैया ने देखो आए लला देवर कैसे आए? आए कहा भाभी पहले मुंह मीठो करवा। क्यों? तेरे लाला की भाभी आई गई है सगाई। मम्मी ठोकरवा ए लला हमें जो बता बेने की कहां के हैं? देखो तुम्हें नहीं मालूम तंदुल नगरी से आए हैं, राजा संजय सिंह की बेटी सीरियल जिसका नाम है बहुत ही सुंदर है, बहुत गोरी पीरी है। हाँ बाछल बोली लला अरे कबेटा हम राजा चौहान जन्म ते रही लड़ाई, वो राजा राठौर लला ने करे सगाई। तो भाभी जी लौट जाए, लौट जाए जब बता तुम्हारी बहन के लड़का अर्जुन सर्जन के, हाँ वो चाहे तो शादी कर सकती है। अब हाथ तीनों चले मैं लयुर जन के आए। ये सुना जो रुआ लाल लला तैटी के आए, पर नोटी का को नाम खुशी लड़कन हुई जाए। ये सरपना में बजे बधाई, शरपना में बजे बधाई,
इधर लड़कों का टीका चढ़ रहा है अर्जुन सर्जन का, ना उठाकर बोलो महाराज मिले नहीं तो ले मिले ना, और मिले तब दुद्धे खट्टे मिले। हाँ अर्जुन सर्जन का टीका चढ़ने लगा, ना उठाकर कहने लगो महाराज। वैसे बस भगवान ने सुनी खूब काय कि अगर एक हारी बीमारी में मरऊ गो तो दूसरा तो तैयार है ही। हाँ एक करहैया दो करना जे मच जाए तो और करना। हाँ इधर टीका चढ़ रहा है तब तक बाबा जहरवीर बियाबान जंगल में शिकार खेल रहे। नीलम घोड़ा ने हींस लगाई, भैया तुझे कुछ मालूम है क्यों? अरे जब भाभी की हमने मार खाई तुमने भाग रखाओ। भाई भाभी को टीका तेरे मुंह से आते भाइयों को चढ़ रहा है। अरे भैया टीका चढ़े ना पाओ। चौहान वंशी ठाकुर चल दिया घोड़े वाला सिपाही। सुमिर लाए जगदीश सुमिर लाए अपरंपारी, सुमिर को रख गुरु सुमिर लाई पाछल महातारी। और बजे ठमटमी टाप मेल हुई रहे शंकर दे अजमत धारी, वीर टूट रहे बचुर तार अष्टधाती ताले टूट के जमीन पर गिर पड़े। हा महलों में आगाज हो गया कि वीर आ रहा है। और इधर उर्जन सुर्जन का टीका चढ़ नहीं पाया दोस्तों, तब तक हुआ क्या मोहल्ला श्री जग सिर पे ची रहा भैया दे ढके लिया प खुद चली गो पिया। काले सिरोई जन धरी दई रे नारी कई भैया न मिला तिया प खुद करी रहो सगाई। नाउ ठाकुर ने जो देखो महाराज चेलरी का जे बाज से टूटे परो अब जोड़ी मिली है। लेकिन एक बात है चाचा के जाई देना अगर लड़की नहीं गुस्सा हो गई तो गद्दन में करिया करिया नंग रेगर एक ही फुसकार में समझ ले। आज भाई से भाइयों भाइयों में बैर हो गया। भैया अगर कहो कि पस्सी थरिया कोई छड़ाए ले और आ जाओ कल लड़ाई जाई पे परी है रणवीर भैया जमीन और जोड़ू पे। आज भाइयों भाइयों में बैर हो गया ऐसा ही नहीं बताया है गुरु मुन्ना लाल गोस्वामी जी ने कहा है कि बेटा नए भैया के सो पैरू ना भैया बिन बनता चलता। आज भाइयों भाइयों में अगर बैर हो जाए तो पाल और सुग्रीव जैसा और प्रेम हो जाए तो राम और लक्ष्मण जैसा। आज वीर का टीका चढ़ गया भाइयों भाइयों में बैर हो गया। ठाकुर लगता बिहानों मी को अपने राजा को दिए समझ आई लगत बिहारे नामी को दत्त संहारे दिए उनको।
सज्जनों जिसमें जहरवीर महाराज का टीका चढ़ गया और नाव पंडित को दस दस मोहरें दे दी जाओ। जिस समय ये तंदुल नगरी पे पहुंचे हैं, इधे पंडितानी रणवीर भैया 50 गारी दे रही दारी जा रहा जिन कहा मरो जूझो अबे नहीं हां काय जो धरे गए थे बाल बच्चे ने सब चाटी ना हां। और तब तक पंडित जी आए गए आई गए कहा मारे जूझे बेतलक। पंडित जी बोले ने को होले बोलो होले जो जहरवीर महाराज ने मोहरे दई थी और भारी के पसों मोहरे पकड़ गई। पंडितानी थोड़ी तो ना है, पंडितानी बोली है तुम्हें थोड़ी की परी हमारे सब बाप कटे गए बाप नहीं पाप। अबे बाप पाप बच गया जा जो पंडितानी आई। पंडितानी का एक मोबाइल है रैया रे पंडितानी ने हार कबू देखो हो जाने गले को हार कर लटका फिर परोस ने बोली पागलाई है जो गद्दन में पहन हो जात हाँ। अब पंडितानी बोली महाराज तुम गुस्सा ना हुई हो अब ऐसे ही तुम्हें गुस्सा हुई गए थे झुट्टे अब ऐसा करो तुम हम में चलते चलते कितने करिया पड़ी गए अब तुम्हें हम तुम्हारी रोज सेवा करो करे पौआ बार घी रोज खवाओ करो बहुत करिया पड़ी गए। राजा को खबर करिया नाव पंडित जी राजा की कचहरी में पहुंच जाते हैं सज्जनों और राजा से कहा कि महाराज मैंने लड़का कहीं नहीं मिला तो देश बांगर में राजस्थान बादशाह का पुत्र जहरवीर चौहान मानसी में टीका चढ़ाया। राजा कहने लगा कमीने हो मैंने तुमसे मना किया टीका भाई चढ़ाया तुमने खा ली तो समन की पूरी पूरा होता चलवाए दे सूली तुमने पी लो तो समन को पानी और सुनो तुम्हें दक्षिणा मिली हो हाँ जितनी दक्षिणा मिली सवन नगरी में बांटो नाक कान नाऊ के तुम जानते हो महाराज नाऊ में तो वैसे विद्या खुले हो चार कम 40 हो इसलिए मेरी बेटी का टीका वापस लाओ अपनी बेटी का टीका चढ़ाओ। सोचने लगे अब हम कहां जाएंगे कहां ढूंढेंगे रोवत रोवत चले तू जगे करे पयान और भटक रहे हैं तो कहा करे हम बहाने सोच रहे कौन सा बहाना करेंगे लेकिन बाबा जहरवीर को सब कुछ मालूम है गुरु की कृपा से आगाज हो रहा है कि मेरा टीका वापस आ रहा है। एक पिलुआ के पेड़ के नीचे ओड़े तो साला सो रहे नाव ठाकुर की जैसे ही नजर पड़ी महाराज देखो अबे सोई रहो चलो तो चरण में गिरते भैरा
चरण में गिरे धराई। महाराज कैसे आए? नाव ठाकुर कहने लगे, महाराज आए कैसे? पैरों से दोनों गिरी गए। घोड़ा कहने लगा, भैया आए का जल्दी है ब्याह, हाँ टीका चढ़ाए गए, लगन लेके आए। पंडित जी बोले, ऐसा नहीं है बेटा। अरे का बेटा वो राजा बेईमान मन कमन योज कमाई, वो राजा बेईमान है, टीका बाप चलो करवा लला तुम्हें समझाई। बेटा मो घर कुआरी लली लला मेरे तुमको ब्याई, मो घर कुआरी बेटी है तुम्हारे लिए मैं शादी कर देंगे। जारवीर कहने लगे, पंडित जी दोबारा से इस बात को मत कहना। क्या? अरे कपंडित हम छत्री तुम विप्र धीर तेरी किस समय जब आऊं, अरे हम छत्री हैं और तुम विप्र, विप्र माने ब्राह्मण। मोए बुरे लगे ये पर रात दुख में कलमे पाऊं, बस एक ही उपाय है, अगर दूसरी जगह टीका चढ़ाओ तो मोए 15 दिन पहले खबर कर दी। नाऊ ठाकुर कहने लगे, पंडित जी निकट चलो, करिया करिया नंग देख के मेरी हिम्मत खराब हो रही। हाँ महाराज, देखिए आज नव पंडित दूसरी जगह टीका चढ़ाने के लिए जा रहे गुस्सा में। देखो कितनी नहीं को लड़का, देखो कहां, देखो गढ़ आमेर में जाकर के जिस समय पहुंच जाते हैं कछबाए ठाकुरन में। राधे भैया कछबाए ठाकुरन में जैसे ही बड़ा लड़ंकाते कछबाए ठाकुर होते हैं। ठाकुरों में कई एक कुरी होती हैं, चौहान हैं, तोमर हैं, शिक्रवारी हैं, राठौरी हैं, है? जैसे ही पहुंचे कछवायन को खुशी मांग जा रखी आई, सैर पना में बज रही रे बधाई। अब का सोच रहे ससुर ने की बांगर में नाय बनी तब पता लगा लगा था। लेकिन नाव ठाकुर कहने लगे, सुनो टीका तो हम चढ़ा ही नहीं, लेकिन एक शर्त है कि ये टीका देश बेली भांगर में भी चढ़ा था, वहां से राजा ने वापस करवा दिया और बरात वो भी आ सकती है। अगर तुम्हें लड़वे की गुंजाइश हो रणवीर भैया, आए यादव है आकर को राधे भैया यादव, रणवीर भैया यादव, इनके हो तो भाई फिर का चला ने तलवा। भैया कोई बात नहीं, बेकर छवाए मांग मांग सिर ऊपर भाला, इतने लड़न कहते रत्ता में मोल लड़ाई लेवे वाले। अब टीका चढ़ाने लगो, हाँ देखो लड़का कितना सुंदर हुए। भैया लड़का बैठो चौक न एक बड़ा बहराए, भैया चौक धलिए सोने की थाली और बा थालिया में पान से पड़ी। अब देखो लड़का कितना तो सुंदर है, लड़का की सुंदरता। अरे कजा की भोई भिनूनी उड़ी चांद पे पार न पायो, ए भलो सजो लंगूर री छकौ बन से आयो। ठाकुर काम ना को लड़का को लेने को है, राधे भैया यादव लड़का सही है। अब होए भिन उनी उड़ी चांद पे पार न पायो, और भलो सजो लंगूर री छकौ बन से आयो। अरे कजा को मोह प्यालो बने रो दांत खुर पासे काले, और पेट मथनिया चांद में गंजा, जाकी भोई भिन उनी उड़ी ए भोई भिनूनी उड़ी आंख में बिल्कुल कन्या। और बताए सुंदरता, करिया ढोल पाए जक थापी, गेलो चंत में आई रही फांसी। और भैया कुबड़ी लायो दूसरी मुख पे भारी, भलो सजे लंगूर धन जा किया महतारी।
गोरो रहे डामर के सोडी राम रंग लड़ी के को बताए लेकिन बड़ा चतुर रहे हैं एक दिन घटाए दो बांगर में चढ़ो नौमी को जो कर दो तिथ आठ को के जोले नौमी की बराता है तो ले आठ वाली ले जी अपने राजा को दिए समझ पता थोड़े ही दिन की पातरिया काटे से कटी जाइए विपत्तिया पता थोड़े ही दिन की पातरिया राधे काटे से कटी जाइए भैया नाउ पंडित टीका चढ़ा के देश बंगर से चले गढ़ आमेर से चलते हैं रास्ते में बाबा जहरवीर पुनः मिल जाते हैं और घोड़ा कहने लगा भैया भाभी को कुछ निशानी दे दे निशानी क्यों से यकीन तो हो जाए। आज बाबा जहरवीर ने हाथ से अंगूठी उतारी है और भूरा नाग को बुलाया भूरा भूरिया नाग की मणिमाला बना के दे दी कि जाओ मेरे यानी शरीर को दे देना। आज नाव पंडित चले हैं अरे एक पंडित आगे की सीधा लगाई देर की ना लगाई नाउ पंडित चले टीका एक तो वापस हो गया एक चढ़ गया। सज्जनों भाई बंद माता बहने कथा में ध्यान देते हुए कजे तो गया नगर में तो नई सोच दिल में भारी आवेरी आज नाऊ पंडित चले हैं राजा की कचहरी पहुंचे तंदुल नगरी। राजा ने कहा कहो टीका चढ़ाया है हमारा दूसरी जगह टीका इतो नीको लड़का है बताओ हम की उपमा बताऊं बहुत सुंदर है। राजा कहने लगा मैं जानते तुमको इतना डर ही घुस गया था जो हमारे डर के मारे लड़का अच्छा देखा होगा जाओ दत्ते से मोहरे ले जाओ। लाऊ ठाकुर की घूम लगी है चले हैं तो रास्ते में राजकुमारी शिरियल मिल गई। उसको समझ आ रहा है कि मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा टीका वापस हो गया। सोई बोई मढ़ने की माला भूरिया नाग को दो दो बोई दे दई और हाथ की अंगूठी का भाव अब हाथ बेटी चली ललिया खाने में आई हाथ बेटी चली ललिया खाने में आई अरे सोने का जोर चिराग बलम अर्ज लगाई बाबा जहरवीर से अर्जी लगा रही क्या बोली महाराज बलमा जो का छवाए ले जाए नाक कट जाए तुम्हारी इसलिए हमें दूसरी निशानी भेजो
इत बिटिया ने स्तुत करी जा हर पे खबर परी। गुरु की कृपा से आगाज हो गया मेरी रानी दूसरी निशानी मंगवा रही। पता चल गया अपनी मां से पहुंचे मां मुझे गेंदी बना दे। बाछिल बोली लल्ला गेंदी इतना स्याना हो गया अब गेंदी का खेल करेगा। सज्जनों ध्यान देना ये वही अवतार है द्वापर में भगवान कन्हैया त्रेता में राम कलयुग में बाबा जहरवीर। तो जहरवीर बोले मां तुम्हें नहीं मालूम आ रहे उनके जियरे अरे को न समझ आवे जिनकी चढ़ ही रे लगुन फिर जो उनके जियरे को रे समझ आवे जिन पे पुत्र रे शोक पड़ जाए। गुलशन भैया ने का भज के जइयो जहर वीर को दियो समझाई। आज महाराज जहर वीर बाछल मैया बता देती है कि बेटा पटना में तेरी मौसी बनाती है। तो घोड़ा पे सवार होके तो पटमिन मौसी से गेंद किस तरीके से बनवाते हैं। पटमिन मौसी नेत्रों से हीन थी। महाराज जहरवीर ने आंखों पे हाथ फेरा दिया गुरु का नाम लेकर के नेत्र सुंदर हो गए। बता बेटा कैसी गेंद बनवाएगा कि मौसी ये गेंद जाएगी तंदुल नगरी मेरी रानी सीरियल के पास। अरे कब हियार ये समगे नी बिनी फूल चौ खड़िया कालो और भाई गेंदी के बीच ना मचा हर को डारो जामे गोकुल को या लिखी लिखी बात छलती मैया सुरजन सुरजन बंद लिखे मोचाए ते भैया अरे कजा में लिखो ना लखा बाग लिखी जमे बारे द्वारी और सीरियल बेटी लिख गई कुआरी अब चन्ना सूरज लिख रही भान और गोरखना तक दे दयान। आज गेंदी बनवा करके जहरवीर
अपने संग साथियों को बुलवा लिया। सावकार जो हरी बेटा सबके हाथ में सुनहरी छोटा, सब लड़कों को इकट्ठा किया, कहां है भरजू, सब सुल्तान रत्नावीर नरसिंह पांडे, चलो गेंदी का खेल होगा। आज गेंदी का खेल हो रहा है, जहरवीर सोचने लगे ये गेंद हमें तंदर नगरी पहुंचाना है। कैसे? लड़कों से कहा भैया आंख मीचो तो खेल दिखा। लड़कना की आंखें दही में चवाई, देखो कलाय जहर वीर की, जाने गुरवर लय है मनाई, सुमिरन करके गुरु गोर खटो, मारी टोल रजन मारे टोल टोल सुरजन ढिंग जावे। गेंदी का खेल हो रहा है, जहरवीर ने लड़कों की आंखें मिचमाई, मारो टोल रे गेंद अमर में है और गेंदिया में भरी गई उड़ान, चाय गिरी की श्रील के महल में, क्या हुआ सजनों? और यार रर सर रर करके गेंदी बकी उड़ी गई सुरग में बच गए, जाए गिरी श्रील के महल में, राजकुमारी सीरियल समझ गई जो उसमें नाम लिखा हुआ था, वो बिटिया होशियार मजन लपटी उठाई, जे मेरे पति की गेंद गेंद बांधर ते आई, गेंदी को देख करके समझ गई अब मेरे पति के अलावा कोई नहीं। उधर सीरियल की बात तो सज्जनों तंदुर नगरी में छोड़ दें, और इधर जहरवीर से लड़के झगड़ने लगे कि भैया गेंद कहाँ है। गेंदी के परिताप धौल लड़कन में जमाई, और लड़का गए खिसियाए देत जा हर को गारी, भैया जबर के चलत हाथ पाए निमल को का चलत मौ। तो जहरवीर तंगड़े हते बे लड़का कछुआ लिखे हुए हते, तो फिर जहरवीर कहू के घूसा दे तो कहू लाद दे रहा है घरे दे दी चले गए। भैया जब नहीं माने चेट भर ली गेंद चाहिए कि हाँ, तो देखिए महाराज जहरवीर कहाँ जा रहे पातालपुरी में। गुरु मन आए रोज हर चेहरी आरे पहुंच गयो पाताल जहां वसुदेव कचहरी, पहुंच गयो पाताल जहां वसुदेव कचहरी, बाबा जहरवीर राजा बासुक के यहां
पहुंचते हैं, नागों से युद्ध किया, कौन कौन से नाग हैं। भैया परम गणेश शंखचूरी रतनारे काखे और पलक नागी और धामिन कारी, भैया बड़बड़ नाग जुरे मड़धारी, ए शंखचूर मेहमंत नागिए मड़के लहरी, भैया बात को करती लगी नाग की चुरी कचहरी। नागों का दरबार लगा हुआ है, राजा बासुक दहला गया, ये मंजलोक का जवान मेरी सभा में आ गया, इसने मेरी गर्दी का मजरा नहीं चुकाया। नागों से आदेश दिया, जाओ एक भूरा नाग पौनिया बैठो और बांगर वालो भीर यो लिया बाइड पहुंचो और तंग तंगड़ा तंगड़ वंशी भैया रतनावली और सूरज वंशी भैंसा डोमी ने चोट चलाई। भैंसा डोमी नाग होता जिसे अजगर बोलते हैं, ये नागों के नाम हैं। भैया नाग लिपट घोड़े से जाई आगे पहुंचे, बासुक ने आदेश दिया नागों को, जाओ इस मंजलोक के जवान को पकड़ के ले आओ। ऐसी देव फुसकार छीण लियो मणि की माला, जाकी देवो ठसक बोला छीण लियो लंबो भाला, पातालपुरी में राजा बासुक के दरबार में नागों से युद्ध किया। एक तक्षक नाम जो राजा बासुक का प्रथम बेटा तक्षक वो गया, जैसे ही फुसकार लगाई सुमिरे गुरु रे जहर भाव पानी, मेरे गुरु जहर बहु पानी, तक्षक को कैद कर लिया कमीने। कैद कर लिया और तब तक दो नागन ने सुनी खबर, नागन ते लगाई उसकी पत्नी नागन सुरमणि वो आ जाती है, तड़प बिजुलिया बनी गिरिया घोड़ा बह जाई, घोड़ा दुई खाप पीरमुख फिरी गई शाही, एक घोड़ा के दो घोड़ा हो गए, बाबा जहरवी ने क्या किया। खोली तू साला बंदा लगाए दो, भैया जिस समय घोड़ा को देखा बाबा जहरवी ने, नैनन बह रही है नीर की धारी, जाने नाम लवो तो गुरु गोर खको, आज कहां मरी गए मेरे गोर रख ज्ञानी, ले तो गुरु को नाम जहर को बनी गो भैया। जब बाबा जहरवीर घोड़ा सरजीव हो गया, उस तक्षक को नहीं छोड़ा, तुझे क्यों लेकर के आई मालूम, तू जावे वो तंदुल नगरी, राजकुमारी सीरियल को तुझे ढसना है और जिंदा जब करोगे जब मेरा लगन टीका लिखवा लोगे। ना कहने लगा महाराज मेरी सर पे होनी है, हमें कहा उन्हें मेड़ पे चंद देख लो तो एक ही लठिया में हाँ पट कर दिए। अरे नहीं तो जब तेरे साथ में नरसिंह पाने जाएंगे, नागा झोलिया में डारो, भैया समुद्र के किनारे आए तो भारी जल देख करके तक्षक कहने लगा पंडित जी मेरी पीठ पे आ जाओ, पंडित जी कहने लगे नहीं तू जल का जीव है धोखा दे देगा। तब तक गुरु गोरखनाथ कछुआ का रूप लेकर के उसी पार पे हिलोर लगाने लगे, पंडित जी से कहा महाराज मेरी पीठ पे आ जाओ, पंडित जी बोले
तू तो भी जल का जीव है। तो जवाब दिया पंडित जी, तुम पंडित पूरे भी कम खाए रहे कई समय उठाए रहे कंगा, तुम संग धोखा करे लौटी वही खाए जाई गंगा। अच्छा विश्वास हो गया, गुरु ने नव पंडित को पार लगा दिया। इधर में जब तंदुल नगरी में पहुंचे हैं तो राजकुमारी सीरियल का जो बाग था उसी में पहुंच गए। रोटी बाजरा की, हाँ भैया ध्यान देंगे, एक राजस्थानी भक्त बाबा को भोग लगाता है। बाजरा राजस्थान में बाजरा ही चलता है, बाजरा का आटा, और हमारे यूपी के भाई अपना हलवा पूड़ी से मनाते, तो वो क्या कहने लगा, महाराज रोटी बाजरा की, रोटी बाजरा की, बाजरा की रोटी बाजरा की खा ले को गंभीर के हलवा पूड़ी भूल जाएगा। बाजरा की खा ले को गंभीर के हलवा पूड़ी भूल जाएगा। और कहने लगा, और बाजरे का आटा राजस्थान में मनायो रे, मीठा गुड़ में तो यूपी ते लायो री, निकर रुच रुच के, निकर रुच रुच के भोग लगा ले को गंभीर के हलवा पूरी भूल जाएगा। रोटी बाजरा की खा ले को गंभीर। इधर में तक्षक नाम और नरसिंह पांडे सीरियल के बाग में आ जाते हैं, और सीरियल उधर सखियों के साथ में बाग में आती है। किस तरीके से इधर में सीरियल जैसे ही आई तो तक्षक को छोड़ दिया। तक्षक ने, अरे बूढ़ो सो ब्राह्मण, सीरियल का पता लगाने के लिए जा रहा है, क्यों सीरियल कोई साधारण नहीं है, याद सकती है। और बूढ़ो सो ब्राह्मण बनियो रे लटक रही जाके डाली, और पोंके सकन ने जा दिया। कौन सी सीरियल है महाराज, महाराज याद पर शांति दियो बताए, कौन सी सीरियल लली आज होले सदियो समझाए, तुम मैं कौन सी सीरियल लली लली होले साथ। और रणवीर भैया याद याद बनियो कर रखी तो मानो हमारी, और के संपूर के जे बस हवाईया रुपया पचास दे दहाई, और
और गुलशन भैया की दम कायम तो न बंद होएगी तलवार। भैया राजकुमारी सीरियल का पता लेकर के तक्षक और किस तरीके से धसता है और तक्षक नांग कहां कहां सीरियल अपने गुरु को मनाती है और आगे तक्षक कैसे धसेगा, राजा संजय सिंह कैसे ढांक बजवाएगा, ये बाबा झारवी के दूसरी विभाग की कहानी दूसरा भाग संपूर्ण आगे इंतजार करेंगे दूसरी कैसेट में। किस तरीके से तक्षक नांग धसेगा और राजा संजय सिंह नरसिंह पाणी वैद्य बनकर के कैसे जिंदा करेंगे। अरे मेरे ढोलक के बज भैया, और 50 रुपया नरेंद्र बेटा के लला मेरा चिमटा में उड़ाई रोता, मानो राखी दो जाल चाचा को पन्ना धरिए रे भगवती माई। इधर में भैया तक्षक ने झूला पे डसा, गुरु का नाम लिया बच जाती है, फूल पे डसा बच गई, अब ताल पे किस तरीके से सीरियल को तक्षक ढसेगा वक्त नहीं है, दूसरे भाग का इंतजार करें दूसरी कैसेट में किस तरीके से राजा संजय सिंह बाबा जहरवीर देश भांगर से बारात जाएगी और गण आमेर से जाएगी, तक्षक नाम कैसे सीरियल को ढसेगा हमारा पता है। कैलाश गायक हेवरा निवासी, कैलाश की आवाज में ये बाबा जहरवीर विभाग की कथा आप तक पहुंची जा रही है। अगर भूल हो तो कोई गौर मत करना, क्यों कि भूल तो इंसान पर ही होती है। हमारा नंबर है 89-80-81-29, जी हाँ 89-80-81-29। तो आगे की कहानी का थोड़ा इंतजार करें कैसे सात भामरे पड़ी। ओ मेरे बांगर वाले वीर भरोसो तेरोई भारी है, गुलशन भैया गुलशन कैसेट कंपनी चपला, गुलशन कैसेट के माध्यम से ये बाबा जहरवीर के विवाह की कहानी आप लोग सुन रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद होगी। मेरी बिगड़ी ओई बनाई देई यो मेरी वाले को कलयुग तेरी उलटी रीति भामरे पड़े भेन भैया की। ये लोग गीत है सज्जनो। अरे कलयुग तेरी उलटी रीति भामरे पड़े भेन भैया की, ससुर कई
अरे पहनाते पहना कई मैंने मो पहनारी कई नहीं जाई भामरे पर मैंने भैया इस लोक गीत पर ध्यान देंगे। अरे भैया ते भैया कई मो पे सारो कहो नहीं जाई भामरे पने भेने भैया ते कले युग तेरी हाँ भैया, हमारे साथ में जो संगति कर रहे हैं हमारे रणबीर भैया यादव जी डमरू पर, और हमारे अनिल भैया ढोलक पे संगति कर रहे हैं, और हमारे राजेंद्र भैया उर्फ वर्मा जी नक्कारे पे उस्ताद, और हमारे राधे भैया साथ में सहयोगी, और इतने गंगा सिंह भैया ये भी हमारे घड़ा पर संगति कर रहे हैं। और हमको तो सुना होगा छोटे मोटे कलाकार गायक कैलाश हेमरा बालों की आवाज में ये कहानी आपके पास तक पहुंच रही है। अगर कोई भूल हो तो थोड़ा मेरे भाई ध्यान रखना।